हेलो एवरीवन, जसवीर मेमोरियल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने तरंग समीकरण के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तरंग समीकरण, याद है सबको? लास्ट क्लास तक अपन ने तरंग समीकरण का डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्या थी वो? अगर एक डायरेक्शन में लग हुई तो 1/v² d2f/dt² ये आपके पास क्या गई थी? तरंग समीकरण आई थी, अपन ने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था। देखो, इसके आगे अपने को क्या करना है, आज हम अनुप्रस्थ तरंगे, तरंगों के अपन ने प्रकार पढ़े थे। एक होता आपके पास अनुप्रस्थ तरंग, एक होता आपके पास अनुदैर्ध्य तरंग। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगों का क्या निकालना है? वेग निकालना है। आज की क्लास में अपने को क्या करना है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगों का क्या निकालना है? वेग निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग। अच्छा, सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी तरंगें होती है? ऐसी तरंग जिसमें कंपन की दिशा और तरंग के आगे बढ़ने की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। और उसका अपन ने एग्जाम्पल देखा था, तब उसमें अपन ने बोला था कि अगर आप किसी एक सिरे से रस्सी को बांध लेते हो, फिर उसमें अगर आप वाइब्रेशन करवाते हो, तो वो वाले वाइब्रेशन कौन से होते हैं, या फिर वो वाली तरंगें कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ठीक है, तो अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे अपन? तनी हुई डोरी। तनी हुई डोरी में अपने को क्या करना है, कंपन क्रिएट करवाएंगे। क्या करेंगे, तनी हुई डोरी को अपन क्या करेंगे? अच्छा, तनी हुई डोरी क्यों? तनी हुई डोरी होती है, और मान लो आपने डोरी को तना कर नहीं पकड़ा हुआ है, तो वो डोरी कैसी होगी? ऐसी। ठीक है, अच्छा, इस डोरी में आप कंपन क्रिएट कर सकते हो क्या? आप कंपन क्रिएट करोगे, छोटा सा कंपन मान लो आपने ऐसे क्रिएट कर भी दिया, तो ये आगे जाके यहाँ तक वो कंपन क्या हो जाएगा, वापस नष्ट हो जाएगा। वो सीधा क्या हो जाएगा, वापस वैसी की वैसी स्थिति में आ जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, तनी हुई डोरी लेनी है। तनी हुई डोरी मतलब एकदम स्ट्रेट खींची हुई। ठीक है, अच्छा, अगर डोरी तनी हुई है तो इस डोरी में क्या होगा, तनाव होगा। डोरी तनी हुई है तो डोरी में क्या होगा, तनाव। अब देखो, तनाव होने का मतलब आपने इस सिरे से रस्सी को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो आप डोरी के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाओगे? इधर की तरफ। तो आपके द्वारा डोरी पर तनाव किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। वैसे ही इस सिरे पर डोरी को आपने किसी हुक से बांध के रखा है। ठीक है, तो जब आप खींचोगे तो यहाँ वाले भाग पर ये जो दीवार है जिससे ये डोरी बंधी हुई है, तो डोरी में इस भाग में तनाव किधर लगेगा? इसकी तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये क्या हुई है, बंधी हुई है। इसका मतलब डोरी, इस दीवार की वजह से भी डोरी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे तनाव होंगे, एक तो इस दिशा में भी होगा और एक इस दिशा में भी होगा, तभी डोरी में क्या होगा, आपके पास पूरी कंप्लीट तनी हुई डोरी होगी। कौन सी डोरी होगी? ये तनी हुई डोरी। अब आपको क्या करना है, इस डोरी को क्या करो, डिस्टर्ब करो। आप इस डोरी को आपको क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कंपन क्रिएट होगा। मान लो ऐसा कोई कंपन उसमें क्रिएट हुआ, ये वाला क्या होगा, ये वाला इसमें एक कंपन क्रिएट हुआ। ठीक है, अच्छा, ये वाला कंपन आगे की तरफ बढ़ेगा, ये वाला वाइब्रेशन है वही आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर अपन इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, अगर इसका मैं वेग निकाल लूँ, तो अपने के पास क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग का वेग आ जाएगा। क्योंकि ये तो तरंग बना रहा है अनुप्रस्थ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग का वेग आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे करना है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक डोरी है, उसका इकाई लंबाई द्रव्यमान कितना है? इकाई लंबाई द्रव्यमान कितना है, स्मॉल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस उस डोरी को एकदम कस के बांधा हुआ है। ठीक है, जब आप उसको आप वाइब्रेट करोगे तो उसके अंदर आपके पास ऐसा शेप बनेगा, ये वाला शेप अभी देखा था अपने, ये वाला शेप बनेगा उसमें, ऐसा पूरा ऐसे गोल। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, जो आपके पास तनी हुई डोरी थी उसका अपन ने जो गोल शेप बन रहा था उसका एक छोटा सा भाग ले लिया। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो भाग है आपके पास वृत्त की त्रिज्या के जैसा है, सॉरी वृत्त का ये जो चाप के जैसा है, क्या है, वृत्त का एक छोटा सा चाप है।
ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या है वो मैंने कितना मान लिया, आर है। इस वृत्त की त्रिज्या तुम्हारे पास कितनी है, आर। रेडियस कितनी है इसकी, आर। रेडियस कितनी है, आर। भाषण में ठीक है, अब मान लेते इसका केंद्र कहीं यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे पास वृत्त बनेगा। मैंने एक छोटा सा चाप ले लिया, ठीक है, और ये जो चाप का लेंथ है, ठीक है, कंप्लीट चाप नहीं, छोटा सा चाप लिया है, इस चाप का जो लेंथ है, ये जो आर्क है वो मैंने कितना ले लिया, डेल्टा एल है। चाप का लेंथ, आर्क लेंथ मेरे पास कितना है, आर्क लेंथ मेरे पास कितना है, डेल्टा एल है, ठीक है। अब देखो, अच्छा अभी अपन ने देखा था ये जो डोरी थी इसके इधर तनाव लग रहा था और इसके इधर तनाव लग रहा था, क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेंटर है, अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाली रेडियस तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी आर है, ठीक है। अब देखो इस जोड़ी का जो मिड पॉइंट है वहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो चाप है इधर केंद्र के साथ में यहाँ पे कितना कोण बनाता है, थीटा, ठीक है, और यहाँ भी ये कितना कोण बना रहा है, थीटा। दोनों चाप एकदम मिड पॉइंट से है तो दोनों के एंगल कितने बनेंगे तुम्हारे पास, थीटा, ठीक है। अभी इधर देखो, इधर तनाव की तरफ, इधर टी डायरेक्शन, इधर तुम्हारा तनाव, तो इसका वैल्यू टी, ठीक है। अच्छा आपको भी पता है कि अगर किसी पॉइंट पर, अगर आप जैसे अगर मान लो आपने वृत्तीय गति पढ़ी थी, अगर आपको इस पॉइंट पर वेग बताना है तो आपने क्या किया था, इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींच दी थी, तो वहाँ पे आपके पास क्या बताया था, इस पॉइंट पर वेग का डायरेक्शन आ गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं पूछूँ इस पॉइंट पर तनाव की दिशा किधर है, तो आपको एक स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पर अगर आपको तनाव की डायरेक्शन पूछे तो आपको इसके ऊपर स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी जो सीधे नीचे की तरफ आएगी ऐसे इधर, ये वाला तुम्हारा तनाव टी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इस टी के, इस टी के अपने को कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं, क्या करने हैं, कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं। वो अपने को कैसे करना है, घटकों का वियोजन करना है, क्या करना है अपने को, घटकों का वियोजन करना है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारे पास टी, अच्छा इसका एक घटक आएगा तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में और एक घटक आएगा तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ठीक है। वैसे ही इसका एक घटक आएगा तुम्हारे पास इस दिशा में और इसका एक घटक आएगा तुम्हारे पास नीचे की दिशा में, क्लियर है बात। अब यहाँ देखो, देखो ये वाला एंगल जब तुम्हारा थीटा है, ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये देखो ये तुम्हारा एकांतर क्रम में ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना बन गया, थीटा। अब ये वाला जो त्रिज्या है, आपको पता होगा जब आप किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हो, जब आप किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हो, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे आपने वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींची, ये वाली स्पर्श रेखा केंद्र के साथ में जो आपकी रेडियस है उसके साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो आपने क्या किया, इस वृत्त की परिधि है, इस पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी है, तो ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना है, 90 का है। इसका मतलब ये वाला थीटा है, तो ये बचा हुआ तुम्हारे पास कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ये वाला वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये वाला बचा हुआ एंगल, ये वाला कितना हो गया तुम्हारे पास, फिर से थीटा। तो ऐसे ही ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो अब क्या करो, कंपोनेंट्स डिवाइड करो, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा आपको क्लास रूम में बताया हुआ है कि थीटा के पास वाली भुजा किसकी आती है, कोस की आती है, तो ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा किसका हो जाएगा, टी कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी कोस थीटा, ठीक है। और नीचे वाला कंपोनेंट ये तुम्हारा टी साइन थीटा, और ये वाला भी तुम्हारा टी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक टी कोस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक टी कोस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, परिमाण दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो ये टी कोस थीटा इस टी कोस थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये टी कोस थीटा इस टी कोस थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुम्हारे पास टी साइन थीटा जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है,
वैसे ये वाला भी टी साइन थीटा तुम्हारे पास किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो टोटल टेंशन नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारे पास कितना है, टू टी साइन थीटा, कितना लग रहा है, टू टी साइन थीटा। अच्छा ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अच्छा वृत्तीय गति में अपन ने पढ़ा था जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक बल उसको कौन प्रदान करता है, आवश्यक बल क्या होता है उसके लिए, अभिकेंद्रीय बल, क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। और उस अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई, कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास, ये मास किसका लेना है अपने को, जो अपन ने इतना चाप लिया है इसका। अब यहाँ देखो इकाई लंबाई का मास अपन ने कहीं लिखा था स्मॉल एम है, इकाई लंबाई का मास आपके पास कितना है, स्मॉल एम। अच्छा चाप की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, इस चाप की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। अच्छा इसका इकाई लंबाई का मास कितना है, स्मॉल एम, तो डेल्टा एल चाप का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल एल को एम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल मास चाप का कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इंटू एम, ठीक है। तुम्हारे पास ये वाला टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब यहाँ देखो इस m की वैल्यू कितनी है, डेल्टा m डेल्टा l बाई स्मॉल m, तो 2t टी साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल m डेल्टा l v स्क्वायर बाई, ठीक है। यहाँ तक इधर वाला मिटा देते हैं, अब यहाँ देखो अगर आपके पास थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो, थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा चेंज होता है तुम्हारे पास थीटा में, ठीक है। जब आप साइन का एक्सप्रेशन करते हो उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, थीटा, थीटा माइनस थीटा की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो बाकी सारे टर्म तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो साइन थीटा को तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, थीटा से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाला तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 2t थीटा इक्वल्स टू एम डेल्टा एल वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई आर एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, कोण बराबर कितना होता है, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। अच्छा ये देखो ये चाप है तुम्हारे पास, कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा ये वाला तुम्हारे पास चाप है ना, अच्छा इस चाप की लंबाई तुम्हारे पास कितना है, डेल्टा एल है, और कोण कितना है, थीटा प्लस थीटा, तो टू थीटा, टू थीटा बराबर आ गया आपके पास, चाप की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल, नीचे त्रिज्या कितनी है तुम्हारे पास, आर, ये होता है। अच्छा इसका मतलब जहाँ पे डेल्टा एल बाई आर है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू थीटा लिख सकता हूँ, जहाँ पे डेल्टा एल बाई आर है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू थीटा। अब यहाँ देखो डेल्टा एल बाई आर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू थीटा, तो आपके पास टू टी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम टू थीटा वी स्क्वायर, ये आ गया। देखो टू से टू कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है अपने को, वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आ गया टी अपॉन एम, और वेलोसिटी वी किसके इक्वल आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो ये आपके पास आ गया अनुप्रस्थ तरंग में तनी हुई डोरी में। अच्छा इधर ध्यान रखना, ये सिर्फ तुम्हारे पास किसके लिए है, तनी हुई डोरी का वेग है, अनुप्रस्थ तरंग लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी अनुप्रस्थ तरंग के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं, ये सिर्फ किस केस में लगेगा, तनी हुई डोरी के केस में लगेगा, या फिर अगर कोई गिटार है, गिटार में जब कंपन होते हैं तो वहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर किसी अनुप्रस्थ तरंग के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सिर्फ किसके लिए, तुम्हारे पास तनी हुई डोरी के लिए, ठीक है। तो तनी हुई डोरी का वेग किस किस के ऊपर निर्भर करता है, एक तो टेंशन के ऊपर, उसमें कितना तनाव है, और एम के ऊपर, एम तुम्हारे पास क्या है, पर यूनिट मास है, टोटल मास नहीं है, क्या है, पर यूनिट मास। तो ये वाला तुम्हारे पास किसका वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी ऑफ अनुप्रस्थ तरंग इन
तनी हुई डोरी, ठीक है। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का वेग किस किस के ऊपर निर्भर करता है? तनाव के ऊपर और उसके पर यूनिट मास में, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला टॉपिक यहाँ पे आपके पास कंप्लीट है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, इसके लिए अनुदैर्ध्य तरंग के लिए नेक्स्ट हेडिंग देखो, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण वेग, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण वेग। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण वेग क्या होता है पहले तो ये बताओ। अनुदैर्ध्य तरंग की क्या प्रॉपर्टी होती है? जिस डायरेक्शन में आप कंपन करवाओगे, जिस डायरेक्शन में आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, वेलोसिटी तरंग का वेग, तरंग उसी दिशा में आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। तो ऐसी तरंग तुम्हारे पास क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। बस में अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? जिसमें कंपन की दिशा और तरंग के बढ़ने की दिशा क्या होती है? सेम डायरेक्शन होती है। तो वो वाले तुम्हारे पास क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अनुदैर्ध्य तरंग के वेग को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, देखो क्या किया है अपन, एक पिस्टन ले रखा है, ठीक है। ये अपने एक पिस्टन लिया हुआ है, इस पिस्टन के अंदर आपने कोई तरल भर रखा है, ठीक है। और इस तरल का घनत्व कितना आपके पास? डेंसिटी, घनत्व कितना तुम्हारे पास? रो। तरल की डेंसिटी कितनी है तुम्हारे पास? रो है, ठीक है। अब जब आप इसको कंप्रेस करोगे, मान लो इस, अब देखो तरल को दिखाने के लिए क्या कर लेते हैं, एक समांतर रेखाएं बना देते हैं। ये इसमें तुमने क्या भर रखा है? तरल भर रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब तुम इसको कंप्रेस करोगे, जब इसको तुम इस दिशा में, पिस्टन को इस दिशा में आगे बढ़ाओगे, तो क्या होगा, इसका आयतन घटेगा, पिस्टन का आयतन घटेगा। तो ये वाली जो लाइनें हैं आपस में कहाँ कहाँ आ जाएगी? पास पास में आ जाएगी, ऐसे। जहाँ पे लाइनें पास पास में, इसका मतलब वहाँ पे तरल तुम्हारा क्या है? सघन है। सघन मतलब वो एकदम पास पास में है। और जहाँ पे तुम्हारी लाइनें दूर दूर है, इसका मतलब वो क्या है तुम्हारा? विरल है। विरल मतलब दूर दूर है, उनके बीच में काफ़ी स्पेस है। अब जैसे तुमने इधर से इसको प्रेस किया, ठीक है, तो तरल के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। तरल के ऊपर क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब तुमने यहाँ से प्रेशर क्रिएट किया है, तो अभी धीरे धीरे दबना शुरू होगा, तो ये धीरे धीरे ये वाली लाइनें पास में आना शुरू होगी। तो जैसे जैसे लाइनें आगे वाली लाइन से टकराती है, जो पीछे से तुमने दबाव दिया है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पे जितना दबाव होगा और यहाँ पे जितना दबाव होगा, उसमें अंतर होगा, क्योंकि ये वाला दबाव धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। भाषण में जितना दबाव तुमने यहाँ पे दिया है, अचानक से इतना दबाव यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा। तो दो स्थितियों के बीच में तुमको क्या मिलने वाला है? दबावांतर मिलने वाला है, ठीक है। प्रेशर में तुमको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपन दो चीज़ों में इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका क्या कर लेते हैं? वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब एक तो आपने इसको प्रेशर नहीं दिया है, ये आपके पास पिस्टन है और अभी एक नॉर्मल कंडीशन में है, सभी जो ये तुम्हारी तरल की लाइनें एकदम विरल है, एक दूसरे से आराम से डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन इसका वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। देखो, वॉल्यूम निकालने के लिए मान लो जब आप इस पिस्टन को दबाते हो, ठीक है, जब आप इस पिस्टन को दबाओगे तो ये तरल अंदर की तरफ गति करेगा। तरल क्या करेगा? अंदर की तरफ गति करेगा। जब अंदर की तरफ गति करेगा, मान लो वो गति कितनी है तुम्हारी? वी है। गति तुम्हारी क्या है? वी है। और कितने टाइम तक आपने किया? डेल्टा टी टाइम तक किया आपने। डेल्टा टी टाइम तक आपने क्या किया? डेल्टा टी टाइम तक इसको प्रेशर दिया, तो डेल्टा टी टाइम तक इस तरल का वेग कितना हो गया? वी हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा वेग। तो कितना दूरी तक तरल आगे तक चला? वी इंटू डेल्टा टी दूरी तक चला। तो कितना दूरी चला? दूरी तुम्हारे पास कितनी हो गई? वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, ये दूरी है। अच्छा, अगर इस पिस्टन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम निकालो, उसको मैं कितना मान लेता हूँ? ए है। तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आयतन। तो वॉल्यूम तुम्हारे पास किसके बराबर आ जाएगा? स्मॉल वी,
स्मॉल वेव बराबर ए इंटू डेल्टा टी। अच्छा, ये वाला आयतन कब है? जब तुमने पिस्टन को प्रेस नहीं किया है, नॉर्मल आयतन है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी टाइम क्या लिया है? जब तुम पिस्टन को प्रेस करने वाले थे, अभी तुमने पिस्टन को प्रेस किया नहीं है। अच्छा, इसको कन्फ्यूज होने से अच्छा है कि इसको तुम क्या कर लो, डेल्टा टी टाइम ही ले लो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम पिस्टन को कितनी देर तक प्रेस करोगे, डेल्टा टी टाइम तक प्रेस करोगे, ठीक है। अब देखो, अब जब तुम इसको प्रेस करोगे, इसके वॉल्यूम में चेंज होगा। जब तुम इसको प्रेस करोगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज होगा, तो उस वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा वी वॉल्यूम। जब तुम इसको प्रेस करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, उसको अपन ने क्या बोल दिया, डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा, एरिया तो उतना ही रहना है, तो एरिया तुम्हारा क्या रहेगा, ए, और डेल्टा टी टाइम तक है तो डेल्टा टी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम आ गया, प्रेस करने के बाद में वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करो, डेल्टा वी बाई वी, आयतन में परिवर्तन बटे आयतन, प्रारंभिक आयतन निकालोगे, तो ये वाला सारा टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वेग में परिवर्तन बटे वेग। तो जब तुम आयतन में परिवर्तन करोगे, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन का अनुपात निकालोगे, तुम्हारे पास किसके बराबर आएगा, वेग में परिवर्तन बटे वेग के प्रारंभिक, वेग के प्रारंभिक मान के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है आगे, अब मान लो जब तुमने इस पिस्टन को प्रेस किया तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाले जो लाइनें हैं एक दूसरे के पास पास आ जाएगी, तो ये वाला तुम्हारा सघन क्षेत्र है जहाँ पे लाइनें तुम्हारे पास 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 में, कौन सा क्षेत्र है, सघन क्षेत्र है जहाँ पे तुम्हारे पास लाइनें पास पास में है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर प्रेशर बजाय इस पॉइंट की क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर पी है तो यहाँ का जो प्रेशर है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी, ठीक है। इस लेयर पे जितना प्रेशर है वो तुम्हारे पास क्या है, पी है। तो इस पे, इस लेयर पे जितना प्रेशर है उससे तो ज़्यादा ही प्रेशर होगा, क्योंकि ये पिस्टन के पास में तुमने इसको अभी प्रेस किया है, तो उसका प्रेशर तुम्हारे पास क्या आ गया, पी प्लस डेल्टा पी आ गया, ठीक है। अब अगर तुम दाबांतर निकालते हो, दोनों के प्रेशर का डिफरेंस निकालते हो, तो अगर तुम पी प्लस डेल्टा पी माइनस पी करोगे तो तुम्हारे पास दाबांतर किसके बराबर आएगा, डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। तुम्हारे पास दाबांतर किसके बराबर आएगा, डेल्टा पी के बराबर, ठीक है। अब इधर देखो, अब अपन क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स। अच्छा, तुमको पता ना प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पी इंटू ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करो चाहे यहाँ पर बात करो, इस पिस्टन का एरिया तो ए रहना है, ए तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर मेरे को फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पर मेरे को फोर्स निकालना है, तो इस पॉइंट के प्रेशर को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अगर मेरे को इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पर मेरे को फोर्स निकालना है, तो इस पॉइंट के प्रेशर को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पॉइंट पर मेरा फोर्स आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो अगर मैं देखो, इस पॉइंट पर मेरे पास फोर्स कितना आया, पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। और अगर मेरे को इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है तो मेरे पास फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल्स टू पी ए आएगा। अब अगर अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, पी ए प्लस डेल्टा पी इंटू ए, ये हो गया। अब अगर आपको दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है या फोर्स में डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को घटा दो, दोनों को घटाओगे तो पी ए से पी ए तुम्हारे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, एफ बराबर डेल्टा पी इंटू ए। एफ तुम्हारे पास क्या आ गया, एफ बराबर डेल्टा पी इंटू ए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, संपीड़ित क्षेत्र की लंबाई, लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड रीजन
इतना रीजन है जो तुमने कंप्रेस किया है, इसका तुमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो वही बात है, लेंथ कैसे निकालोगे, इसका वेलोसिटी, ठीक है, और कितने टाइम तक तुमने इसको कंप्रेस किया, तो उसका लेंथ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, v इंटू डेल्टा t, किसके बराबर आ जाएगा, v इंटू डेल्टा t के बराबर आ जाएगा। अब आगे देखो, अच्छा इस रीजन का तुमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तुमको इसको सीधा किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम तुम्हारे पास किसके आ जाएगा, v डेल्टा t इंटू a, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, v डेल्टा a इंटू t, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी है, अगर तुम इसको प्रेशराइज करोगे तो वेलोसिटी में तुम्हारे पास क्या आएगा, चेंज होगा। अच्छा, जब वेलोसिटी में तुम्हारे पास चेंज होगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तुम्हारा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये होता है एक्सेलरेशन। क्योंकि जब तुम इसको कंप्रेस करोगे तो ये तो जो तुम्हारा तरल है, लिक्विड है, आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, दूसरे तरल का ये जो रेखाएं हैं उनसे क्या करेगा, टक्कर करेगा। जब ये टक्कर करेगा तो उसके वेलोसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आएगी तो वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन तुमको क्या बता रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज होता है तो वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपली न्यूटन का फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारे पास, एम ए। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। अच्छा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तुमने लिख रखी है तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँ, एम ए पुट कर दूँ, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, एम ए इंटू इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू एरिया, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का वैल्यू अपन ये भी क्या लिखा है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो तुम्हारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन क्या गया, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू एरिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब इस वैल्यू को आपने इसके बराबर कर दिया, अब अपने को मास निकालना है, ठीक है। अच्छा, अपन के पास वॉल्यूम है, अभी अपन ने वॉल्यूम निकाला था, ये वाला वॉल्यूम आपके पास, ठीक है। अच्छा, घनत्व अपने को रो पता है, तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मास किसके बराबर जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, ये रहा, वी डेल्टा टी इंटू एरिया। तो मास का वैल्यू आप ये वाला पुट कर दो वहाँ से, इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, रो वी डेल्टा टी इंटू ए, साथ में क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी पॉन इंटू एरिया। अब यहाँ देखो, एरिया से एरिया कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ठीक है। अब देखो, इसको इक्वेशन को फिर से लिखो, रो वी माइनस ऑफ डेल्टा वी डेल्टा पी, यह वाला बचा, क्या किया, रो वी माइनस ऑफ डेल्टा वी डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये वाला बचेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इस माइनस ऑफ डेल्टा वी को इधर लेके जाओ तो रो वी तुम्हारे पास किसके इक्वल आएगा, डेल्टा पी नीचे माइनस ऑफ डेल्टा वी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यही करना है, हाँ। अब देखो क्या करना है, इस इक्वेशन में अगर मैं ऊपर नीचे वेलोसिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस साइड में ऊपर नीचे वेलोसिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो वाला इक्वेशन तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, रो वी स्क्वायर अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से इस वी को मैं इधर भेज दूँ तो आपके पास क्या आएगा, रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा पी माइनस ऑफ डेल्टा वी इनटू हो गया वी, ठीक है। अब ये वाला वी, इसको आप इसके नीचे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाता है, इस वीडियो को मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे की तरफ लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो, अपने लिखा था माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, तुम्हारे पास किसके बराबर, वेलोसिटी में चेंज अपॉन इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो इसकी जगह मैं यहाँ ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, तो आपके पास रो वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ये देखना, ये वाला वी तुम्हारा वेलोसिटी था, अब ये क्या हो गया, किस में चेंज हो गया तुम्हारे पास, वॉल्यूम में चेंज हो गया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कहीं पे देखा आपने,
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये वाला तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का। इसको अपन ने किसे रिप्रेजेंट किया था, के से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से देखो, तो ये वाला क्या होता है, डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ये तुम्हारे पास क्या होता है, के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। तो आपके पास रो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के बराबर आ गया। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, के बाई रो, और वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट कर दोगे तो अंडर रूट के बाई रो। तो अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है उसका वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना है और उस तरल का घनत्व कितना है, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे अपन कल करेंगे।